प्रश्न नंबर पहला, चित्र में दिया हुआ है, चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त की तीन जीवा है ए बी पी क्यू और सी डी, इस प्रकार खींचेगी कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी, यानी तीनों जीवाएं आपस में क्या है बराबर है। यदि ए ओ बी ए ओ बी 65 अंश है तो पी ओ क्यू यानी ये वाला और सी ओ डी ये वाला, ये पूछ रहे हैं तो ये हमारे तीनों कोण बराबर होंगे, जो तीनों जीवाएं बराबर है एक ही वृत्त के अंदर तो तीनों कोण बराबर होंगे, यानी पी ओ क्यू बराबर 65 अंश और सी ओ डी बराबर भी 65 अंश। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ए ओ बी बराबर सी ओ डी, यानी ए ओ बी और सी ओ डी आपस में क्या है बराबर, और जीवा ए बी अगर 2.5 है तो जीवा सी डी की लंबाई भी 2.5 होगी, ज्ञात करना था वो भी 2.5 होगी। नंबर तीन, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, ये क्या है हमारा वृत्त ओ जो है वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ए बी सी डी बनाया गया, वर्ग की एक भुजा को केंद्र पर कितने अंश का कोण अंकित करती है, कोई एक भुजा ले लेते हैं चाहिए तो देखते हैं केंद्र पर कितने अंश का कोण अंकित करती है। देखिए ये क्या है हमारी त्रिज्या, अगर ये केंद्र है तो ये क्या हो जाएंगी त्रिज्या, त्रिज्या हमारी दोनों बराबर है तो ये जो कोण दोनों होंगे वो दोनों हमारे बराबर कोण अंतरित करेंगे, तो बराबर कितने का अंतरित करेंगे तो देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र ये होता है क्योंकि यहाँ पर देखो कितने होता है टोटल 360, अगर चार भुजाएं हैं तो चार से भाग देंगे यानी कितना आ गया 90 अंश, तो हमारा यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगी। अगर तीन भुजाएं होती जैसे देख लीजिए, अगर समबाहु त्रिभुज बना होता तीन, इसमें कितनी भुजाएं हैं तीन भुजाएं, तो 360 को जब हम तीन से भाग देते तो 120 अंश का कोण यहाँ पर हमारा ये बनेगा, देखिए ये 60 है इसका दूना 120, ये सूत्र होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 अंश। इसी प्रकार इसमें एक वृत्त के अंतर्गत समबहुभुज बनाया गया, समबहुभुज में प्रत्येक भुजा 60 अंश का कोण अंकित करती है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो देखिए यहाँ पर होता है 360/n, यानी 360 भुजाओं की संख्या बराबर कोण अंतरित होता, तो ये यन बराबर इधर चला आएगा, 60 कहाँ आ जाएगा हमारा बट्टे में आ जाएगा, तो यन बराबर काटने पर यन बराबर आ जाएगा 6 भुजाएं होंगी, कितनी होंगी इसमें 6 भुजाएं होंगी, ये हमारा आंसर। अभ्यास 13 बी द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके, धन्यवाद।